तो फटाफट अंदाज में इलेक्शन 25 आपने देखा, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं उस सीट की सियासत जो अपने आप में कितनी आदर्श है ये कहना मुश्किल है, लेकिन सीट का नाम आदर्श नगर जरूर है। परिसीमन के बाद जौहरी बाजार विधानसभा के दो हिस्से हुए जिनमें से एक आदर्श नगर कहलाई। इस सीट पर लगातार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक फडणवीस जीत रहे हैं, लेकिन इस बार इस सीट को कांग्रेस के अंदर लॉलीपॉप की तरह देखा जा रहा है और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं से लेकर पार्षद तक इस सीट से चुनाव लड़ने का सपना पाल रहे हैं और इस सीट पर अल्पसंख्यक नेताओं ने भी माहौल बनाना अभी से शुरू कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं उस सीट की सियासत जो अपने आप में कितनी आदर्श है ये कहना मुश्किल है, लेकिन सीट का नाम आदर्श नगर जरूर है। परिसीमन के बाद जौहरी बाजार विधानसभा के दो हिस्से हुए उनमें से एक आदर्श नगर कहलाई। इस सीट पर लगातार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जीत रही हैं, लेकिन इस बार इस सीट को कांग्रेस के अंदर लॉलीपॉप की तरह देखा जा रहा है और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं से लेकर पार्षद तक इस सीट से चुनाव लड़ने का सपना पाल रही है और इस सीट पर अल्पसंख्यक नेताओं ने भी माहौल बनाना शुरू कर दिया। इस सीट पर है लगभग 2.25 लाख मतदाता, इनमें से 70,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं। जीत में मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। इस आंकड़े की वजह से ही कांग्रेस ने यहां से लगातार दो बार अल्पसंख्यक चेहरे को मैदान में उतारा, लेकिन दोनों ही बार वो चुनाव हार गए और बीजेपी से अशोक परनामी जीत गए। लेकिन क्यों एक बार फिर से यहां से कांग्रेस अल्पसंख्यक चेहरे को मौका दे सकती है, इसके लिए पिछले चुनाव के परिणामों पर नजर डालनी होगी। 2008 के चुनाव में कांग्रेस के माहिर आजाद सिर्फ 1800 वोटों से हारे थे। 2013 के चुनाव में कांग्रेस के माहिर आजाद सिर्फ 3000 वोटों से हारे थे। बीते दोनों चुनाव में कांग्रेस की हार का अंतर बेहद कम रहा है। इसी अंतर को देखते हुए कांग्रेस में अल्पसंख्यक नेताओं की नजरें इस सीट पर आकर टिक गई है और बाकायदा ये मांग कांग्रेस के प्रदेश आलाकमान तक भी पहुंच चुकी है। लेकिन इतिहास बीजेपी के साथ है और बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अशोक परनामी ने यहाँ काफी काम भी किया है। इस दौरान कुछ मामलों को लेकर वो कोर्ट के चक्कर में भी फंसे, लेकिन बावजूद इसके इतिहास को बदलना जहां कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा वहीं बीजेपी के लिए भी आगे की राह आसान रहने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो इस सीट का इतिहास अपने आप में ये बताता है कि कांग्रेस मुस्लिम बाहुल्य समझ दो बार सीट हार चुकी है, तो क्या इस बार यहाँ से फिर से अल्पसंख्यक प्रत्याशी पर दाव खेला जाएगा या फिर रणनीति ही बदल दी जाएगी? ये सब निर्भर करता है जनता के मूड पर और इसी को जानने के लिए हम इस सीट पर पहुंचे कि माहौल क्या है। तो चलिए जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा सीट की सियासत को उसी की जनता की जुबानी समझने की कोशिश करते हैं कि अपने आप में कितनी आदर्श है ये सीट और चुनावों से पहले यहां माहौल क्या है। तो जनता का मूड क्या है ये समझने के लिए आज हम पहुंचे हैं राजधानी जयपुर की आदर्श नगर सीट पर। समझना होगा कि जनता फिलहाल क्या चाहती है। आपको ये जानकारी दे दें कि आदर्श नगर सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, लेकिन उससे पहले जानकारी, परिसीमन के बाद जौहरी विधानसभा सीट के दो हिस्से हुए, एक हिस्सा आदर्श नगर सीट का है, लेकिन कहते हैं कि बीजेपी की परंपरागत सीट भी रही है क्योंकि दो बार माहिर आजाद खड़े हुए अशोक परनामी जी के सामने, लेकिन दोनों ही बार परनामी जी ने उन्हें शिकस्त दे दी। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि इस सीट ने राजस्थान को एक प्रदेशाध्यक्ष भी दिया है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर 70,000 अल्पसंख्यक वोटर्स हैं और इसीलिए कांग्रेस के पार्षद से लेकर दिग्गज नेता की जो नजरें हैं यहाँ पर टिकी हुई रहती है। लेकिन ये तो जनता तय करेगी कि आखिर जीत का परचम जो है वो कौन लहराता है। तो चलिए जानते हैं कि जनता का मूड क्या है और फिलहाल चुनावों से पहले माहौल क्या है। जाके इसमें पानी की सही तरीके से व्यवस्था नहीं रहती है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं रहती है। तीसरी बात ये डिवाइडर की है, पहले बीच में सड़क थी, इस रोड के जब मतलब हाईवे चलता था तब भी इतने एक्सीडेंट नहीं होते थे। अच्छा, तो काका प्रदेशाध्यक्ष भी हो रहे हैं, तो अच्छा काम तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। हाँ, तो काम तो अच्छे ही हो रहे हैं और होने को तो मिलेगी, हम तो हमारी प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, जो दिक्कत डिवाइडर थी वहाँ से लेकर वहाँ तक बीच में एक्सीडेंट नहीं होता था, अब आए दिन इस चौराहे के ऊपर एक्सीडेंट होता, पहले सावधानी से नकड़ते थे। अच्छा।
अब तो यहाँ पर एक्सीडेंट होता रहता है, यहाँ रोज आए दिन का काम है। दिक्कत ज्यादा करे तो एक कॉलोनी में तो पानी की है, और कोई दिक्कत को नहीं। कोई बदलाव तो नहीं चाहिए या किसी और को चुनोगे? नहीं, कोई बदलाव नहीं चाहिए। कोई बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, बदलाने से सही चल रहा। मेन प्रॉब्लम पानी की है थोड़ी सी, यानी ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ज्यादा ज्यादा कोई व्यवसाय, लेकिन ये पानी वाली प्रॉब्लम, बाकी सब बढ़िया अच्छा है। सभी जानते हैं इस बात को, सभी जानते हैं मनमुत है ना। एक तो ये पानी की है, एक ये मतलब ये डिवाइडर जो है थोड़ी, ये डिवाइडर सही नहीं रहती इसकी। क्या दिक्कत आ रही है अपने यहाँ? पानी की दिक्कत है, और कहीं की पानी बिगड़ रहा है। तीन तीन चार चार दिनों के पानी है ही नहीं पीने के लिए, परेशान सारा हो रहे हैं। अच्छा, भर भर के लाते हैं पानी, कहाँ आ रहा है? कम से कम 15-20 दिनों के पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। और परेशानी तो है ही कच्ची बस्ती में, सारी परेशानी। चीज तो पानी की, पानी 15 मिनट तो गंदा आता है, उसके बाद में 15-1 मिनट बढ़िया पानी आता है, पानी भर नहीं पाते हैं। इसको लेके बोला भी होगा आपने? हम बोले कई बार, अंजन भी आके किए, सुनाई नहीं करते साहब, बोले लैंड बोल रखी है, दूध डालेंगे, सुनाई करके जाए, सुनाई नहीं कर रहे बिल्कुल। हाँ, अच्छा किया है पार्षद जी ने भी, अच्छा काम किया है, रोडे बनवाई है। सुनते हैं बट वही है कि जैसे मिनिस्टर, क्या बदलाव चाहोगे या फिर वापस उनको लेकर आओगे? फिलहाल तो चाहते हैं कि यहाँ पर भी अगर बीजेपी आ जाए तो बेस्ट है, बट अब आगे जनता का रहेगा कि किसको देते हैं। आई विल वोट फॉर बीजेपी ओनली जस्ट बिकॉज आई एम ग्रोइंग विद माय बिजनेस, आई डोंट माइंड टू। नहीं, लेकिन व्यापारी परेशान थे, नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, जीएसटी के बाद भी बिजनेस ग्रो हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रो नहीं हुआ। चुनावों में एक एक वोट भी बहुत कीमती होता है, इनका वोट जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी के मूड को जानना हो तो उसके साथ खाना या उसका बनाया हुआ खाना बहुत जरूरी हो जाता है और महत्वपूर्ण रोल अदा भी करता है। तो चलिए मैं भी शुरू करती हूँ खाना और जानती हूँ इनके मूड को। फर्क बहुत पड़ा है, धंधे नोटबंदी ये दिए थी, धंधा नहीं हमारे, आप इतनी भीड़ रही थी पूछो मजा बोली, धंधे बहुत फर्क पड़ता है। फिर तभी थैले हटाओ, तभी वो सफाई अभियान चलता है, थैले हटाओ, थैले वालों नहीं हटाना चाहिए, धंधा दर्द आप कहाँ जाए धंधा दर्द हुआ। खैर, गोलगप्पे का सबसे अच्छा और बड़ा बिजनेस मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे भी गोलगप्पे बहुत पसंद है। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है? अपने कोई परेशानी नहीं, बाकी हुआ जो बढ़िया हुआ है। रोज कुआ खोते, रोज पानी पीते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने को क्या दिक्कत है, अपन तो छोटा सा काम है। यहाँ पर बीजेपी को दोहराना चाहोगे या बदलाव चाहोगे? देखो, चाहेंगे तो बीजेपी को ही।